हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रिलेशनशिप रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, और आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन, और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। बहुत सारे जेमिनाइज इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, और हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, तो प्लीज़ जो हो वही लीजिएगा, बाकी ना हो तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू मेरी वीडियो पर आए उसके लिए। एंड प्लीज़ जेमिनाई शफलिंग के दौरान थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। जेमिनाई मिथुन राशि, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू जेमिनाई। पॉसिबिलिटीज, ओके, थैंक यू। पॉलिटिक्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। मोरालिटी, थैंक यू। Thank you angels, thank you so much for guiding us, thank you. Thank you. Trust. Okay. कुछ क्लैरिफायर्स भी निकालेंगे हम। Thank you, thank you, thank you. Okay. Thank you, angels. Thank you. बहुत हैवी रीडिंग है ये आपकी जेमिनाई। थैंक यू, थैंक यू। ओके, टू कार्ड्स आए हैं। थैंक यू,
सॉरी जेमिनी, यहाँ पे जगह इतनी ही है तो कार्ड्स ऐसे ही मुझे रखने पड़ेंगे, प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके ट्रस्ट, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इनर वॉइस, मोमेंट टू मोमेंट इन पास्ट लाइव्स, या ठीक है, थैंक यू जेमिनी। यहाँ पे आप लोगों की जो फीलिंग्स आई हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है जो कि टू ऑफ वांड्स का भी कार्ड होता है, उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेन या हारमनी का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आप, मैं कहूँगी आप ना बहुत स्टक हैं इस समय, आपकी फीलिंग्स बहुत स्टक आ रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस राह जाए, बहुत सिचुएशन आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, आप किसी भी फैसले पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। तो या और कई बार आप सोचते हैं कि आपको जहाँ हैं आपको वहीं रहने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में टिके रहने की, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि बस फिट कर रखा है, या उसको लास्ट मोमेंट तक वो छूटा जा रहा है रिलेशनशिप, लेकिन आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है कस के, आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं कई बार आप इतने तंग हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि आप इसे छोड़ करके एक नई शुरुआत करें, एक जिसे कहते हैं कि एक नई शुरुआत करना, नए सिरे से एक शांति, मैं कहूँगी सुकून की शुरुआत करना, वो सुकून आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं आप लोग, तो ये कन्फ्यूजन्स, ये आपकी फीलिंग्स आ रही हैं अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत कन्फ्यूज हैं आप। और इसके साथ ही साथ आपके पार्टनर जो हैं, मैं सीरियसली कहूँ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं, यहाँ पे चीटिंग का भी कार्ड है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, फाइटिंग का यहाँ पे हमारे पास कार्ड है। यस, मैं यहाँ से ये कार्ड्स थोड़ा ऐसे रखना चाहूँगी, हाथ में पकड़ लेती हूँ मैं। तो यहाँ जो है या आपके पार्टनर जो है यहाँ पे मुझे बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही हाइपर नेचर होना, गुस्से वाली नेचर होना, लड़ाई झगड़ा होना, उनका जो इस समय प्रेजेंट फीलिंग आ रही है आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के। और यस, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों और उनके यहाँ पे चिल्ड्रंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि बच्चे भी हों, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है। ठीक है, मैं अगेन ये बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबसे रेजोनेट नहीं हो, तो उसी तरीके से देखिएगा। ठीक है, और ये जो पास्ट की सिचुएशन है, यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड है, और इसके साथ ही साथ अवेयरनेस और द माइजर की, आप लोगों ने बहुत, मैं कहूँगी आपका रिलेशनशिप जो है बहुत, आप लोग ने, हो सकता है आप लोगों की बातचीत बंद हो, और अगर आप डिस्टेंस में हैं तो आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करा हो, या बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे से इमोशंस शेयर नहीं कर रहे थे आप पास्ट में भी, और या और मैं कहूँगी अपने में ही खोए हुए थे आप, अपने काम करे जा रहे थे जो आपको करना है, अपनी रिलैक्सेशन मोड में थे, लेकिन बातें, चीज़ें, इमोशंस शेयर नहीं हो रही थी, और अपने अंदर कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग इस रिलेशनशिप को आप लोगों के अंदर चल रही थी। ठीक है, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड है हमारे पास, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के, और उसके साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है, जो यही दिखा रहा है कि आप लोगों के दिमाग में जो है इस समय जो चल रहा है, आप लोगों के जो सिचुएशंस चल रही है, वो यही है कि बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आंखों पे अंधेरा है, मैं कहूँगी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपको इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रही हैं, और आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि क्यों असल में आपके साथ ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, या चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं, आगे होना क्या है इस रिलेशनशिप में। तो बेसिकली आप लोग जो हैं बहुत ही मैं कहूँगी ये वैसे देखा जाए तो किंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ही एक बोल्ड
कोई डिसीजन लेना, या हो सकता है आप लोग कोई बोल्ड डिसीजन ले रहे हो किसी तरीके का अपने रिलेशनशिप को लेकर के। बेसिकली यहाँ से मुझे लग रहा है कि जैसे इन 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 ऐसे सिचुएशन से, ऐसी जंजीरों से, ऐसे कार्मिक से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है, और इसके साथ ही साथ जो फ्यूचर है आपका, आपके रिलेशनशिप का, यहाँ पे माइंड का कार्ड है, ये यही दिखाता है। इसके साथ ही साथ ये नाइट ऑफ यस, एक सेकंड मुझे एक चीज देखनी है यहाँ पे, थैंक यू। ओके तो यस, सॉरी मैंने ये रख दिया। तो आगे भी जो है आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें फ्यूचर में, ये आपका फ्यूचर सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं। बहुत उबड़ खाबड़ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत इन एंड आउट आपका रिलेशनशिप चल रहा है, और मैं कहूँगी आप लोगों की एक दूसरे के साथ जो डीलिंग भी है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंट, या मैं कहूँगी एक कटाक्ष की तरह। और यस, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए हो रहा है कि उनके पार्टनर या आप यहाँ पे स्पाइंग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। और बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आप अपने आप को, अपने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत चीज़ें उबड़ खाबड़ चल रही हैं, कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं होती हुई दिख रही हैं फ्यूचर में भी आपके रिलेशनशिप में। और यस, कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस आपको जो बता रही है, आप उसको लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। आपका फ्यूचर जो आ रहा है, आप उसको, मैं कहूँगी या तो आप समझ नहीं रहे हैं, या आप उन साइंस को समझना नहीं चाह रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर सही चीज़ बता रही है, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा हमें सही ही बताती है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को लेकर के कंफ्यूज हो रही हैं कि क्या सही है, ये बात सही है, इसे इस बात को मानना चाहिए कि नहीं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है, आपको जो है यहाँ पे रिसिप्टिव मोड में रहना है। ये बॉटम ऑफ द डेक टू कार्ड्स है हमारे पास, रिसिप्टिविटी और पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये कुछ कार्मिक आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ से चला आ रहा कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में। और इन चीज़ों को, ये अभी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं, बट आप इस फेस को जो है पार कर लेंगे, ठीक है। आपको यही बताया जा रहा है, बस आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है। रिसेप्टिव मोड इन द सेंस कि आपको जो है ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, और ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप को ओपन रखिए, अपने हार्ट को जो है हील कीजिए, उसे ओपन कीजिए, और कार्मिक को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? रिसिप्टिव मोड में रहना है आपको, यहाँ पे आपको रिसिप्टिव मोड में रहना है, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है, और जो आपको इंट्यूशंस आ रही हैं उन पर आपको फोकस करना है, और उन पर आपको विश्वास करना है। और यही जो आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में, उनका आने का जो एक मेन मोटिव, मैं कहूँगी आपकी लाइफ में वो क्यों आए हैं, यही है कि आपको आपके कॉन्शियसनेस से जोड़ना। यहाँ पे हमारे पास कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, और सप्रेशन का कार्ड है, कि ये उस बर्डन को ख़त्म करना, जो बोझ आपकी ज़िंदगी में है, जो बोझ आपके रिलेशनशिप में है, उसे फिनिश करें और एक नई शुरुआत करें। यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट रखना है, और अपनी कॉन्शियसनेस, अपने अंदर से यहाँ पे आपको जुड़ना है। यही उनका लेसन्स है आपकी लाइफ में आने का, यही उनका मकसद है आपकी लाइफ में आने का। तो ये थी जेमिनी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।